नमस्कार। साइंस फैक्ट में आज हम लोग बहुत ही रोचक फैक्ट को जानेंगे कि क्यों छिपकली का पूंछ कट जाता है। चलिए जानते हैं। हमारा ग्रह अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं का घर है और जीवों को जिंदा रहने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। खुद के लिए भोजन की तलाश और दूसरों का भोजन बन जाने से अपने आप को बचाना हर जीव जंतु के लिए आवश्यक है। शत्रुओं से बचने के लिए इनमें अलग अलग प्रकार के बचाव के साधन देखे जाते हैं, जैसे बिच्छू या मधुमक्खी का डंक, गुलाब के कांटे, गिरगिट का रंग बदलना। बहुत ही अलग अलग तरह के तरीके पाए जाते हैं इन पौधे में या प्राणियों में। छिपकली का पूंछ को छोड़कर भागना या पूंछ के टूटे हुए टुकड़े का हिलते रहना ऐसा ही एक तरीका है। छिपकली में एक अद्भुत क्षमता होती है कि जब भी कभी उसे अपने किसी शत्रु की पकड़ में आ जाती है तो वह अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है। कटी हुई पूंछ कुछ देर तक तड़पती छटपटाती रहती है, जिससे शत्रु का ध्यान उसमें लग जाता है। तब तक छिपकली किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है, जब तक शत्रु छिपकली के पूंछ को देखते रहता है और उस पर अटैक करता है, तब तक छिपकली भाग जाती है और कहीं पर छुप जाती है। किसी शत्रु को इस तरह से चकमा देने वाली छिपकली की पूंछ में एक विशेषता होती है, उसकी पूंछ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़ बहुत कमज़ोर होता है। इसलिए थोड़ा सा दबाव पड़ने पर या छिपकली की अपनी कोशिश से वह आसानी से टूट जाता है, जिससे पूंछ शरीर से अलग हो जाती है। अलग हुए इस टुकड़े में तंत्रिकाओं यानी नर्वस सिस्टम होता है, उनके बीच के हिस्से एक साथ उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे उसका कटा हुआ सिरा कुछ सेकंड तक छटपटाता रहता है। यही कारण है कि छिपकली के पूंछ कटने के बाद कुछ देर तक छटपटाता रहता है, क्योंकि उसके तंत्रिकाओं के बीच उत्तेजना अभी बची रहती है। पूंछ के टूट पर पीछे रह जाने वाले, पीछा करने वाले जो शत्रु होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और वो पूंछ को पकड़ने में लगते हैं और छिपकली भाग जाती है। टूटी हुई पूंछ छटपटाते रहने के कारण जो शत्रु होता है और भी ज़्यादा भ्रमित हो जाता है, और पूंछ तो ज़्यादा दूर तक भागती नहीं है, तो समानता शत्रु सबसे पहले पूंछ पर आक्रमण करता है और जो समय मिलता है उस समय में छिपकली भाग जाती है और कहीं पर सेफ जगह पर जाकर छुप जाती है। एक बात और, छिपकली की पूंछ छुड़वाना सरल काम नहीं है। छोटे मोटे खतरों पर वह अपनी पूंछ नहीं छोड़ती। जब उसे लगता है कि अब पकड़ी जाएगी और पकड़ने पर मार दी जाएगी, तभी वह अपनी पूंछ छोड़ती है। लेकिन कुछ दिनों में छिपकली की पूंछ दोबारा निकल आती है, लेकिन यह पहले की तरह पूंछ नहीं रह जाती है। इसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। नई पूंछ में कोई हड्डी नहीं होती है। हड्डियों के बजाय इसमें कार्टिलेज से बनी एक नली होती है जो इस पूंछ को आकार देती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले वाली पूंछ से कुछ कम हो जाता है। एक बात और है कि छिपकली के पूंछ टूटने के बाद हमें कोई ब्लड नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छिपकली की पूंछ में खून की नलियाँ होती ही नहीं है। खून की नलियाँ जहाँ पूंछ शुरू होती है वहीं तक रहती है, इसलिए पूंछ टूट जाने पर उनमें से कोई नुकसान नहीं होता है और कोई खून भी नहीं निकलता है। इस तरीके से छिपकली अपने आप को बचा भी लेती है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।